नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम साथ में खड़े एक जादुई नुस्खा लेके आपके आपके बच्चों के साथ में, आपके परिवार के साथ में। आजकल पॉल्यूशन का माहौल है, हर तरफ पॉल्यूशन है, धुआं है, धूल है, और उसके कारण दमे की शिकायत बहुत बढ़ गई है। दमा यानी एस्थमा की शिकायत बढ़ गई, और छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे पफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फोराकार्ट ड्यूरोकार्ट ले रहे हैं। और आप विडम्बना देखिए कि ये जो कंपनियां हैं, मैं आपको आज एक हकीकत बताना चाहता हूं, एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है, यहाँ जो कंपनियां हैं, कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, एक दो कंपनियां जिनकी मोनोपली है इसमें, पल्मोनरी मेडिसिन में, चेस्ट मेडिसिन में, वह कंपनियां वो इनहेलर होता है, उसका जो मशीन होती है पफ लेने के लिए, उसको मुफ्त बांट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं। अस्पताल में जो है वो पफ मुफ्त बांट रहा है, डॉक्टर मुफ्त बांट रहा है। 70-80-100 रुपए की प्लास्टिक की चीज वह बच्चे को देकर उसके जीवन को जो है वह पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट बनाए दे रहा है, इतने से बच्चे से लेकर जब वो 100 साल का हो जाएगा तब तक के लिए। देखिए, बीमारी है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर विषय ये नहीं, अगर आपके बच्चे के आपके एस्थमा है तो आप पफ को जेब में ना रखें, लेकिन सवाल है हम उसका इस्तेमाल कम, मिनिमाइज या रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। उसके लिए तमाम विकल्प हैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं जो हमने वीडियो डाला है एस्थमा का, आप डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के चैनल पर वह वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हमारे घर में भी जड़ी बूटियां हैं जो कि दवाएं हैं, जो कि पुराने दौर की दवाएं होती थी, जड़ी बूटियां होती थी, उनको आज हम मसाले कहते हैं। हम आपको बताएंगे जादुई नुस्खा जो 1-2 रुपए 5 रुपए की चीज से आपके बच्चे के अस्थमा के अटैक में भारी कमी आ जाएगी या वह खत्म हो जाएंगे। बहुत आसान सी बात है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और इस वीडियो की खूबसूरती है, हम आपको ये भी बताएंगे कि वो दो चीज़ें जो आपके घर में रहते हैं कंपाउंड, वो क्यों आपको फायदा करेंगे। ऐसा ये भी है, फायदा करेंगे ठीक है, लेकिन क्यों हम आपको बताते हैं। साथियों, आपके बच्चे या परिवार में बड़े बुजुर्ग किसी के भी दमे की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, सांस फूलने की शिकायत है, तो वह उसको अपने घर में रखे सामान से कैसे निजात पा सकता है। बहुत आसान नुस्खा है साथियों, आपको कुछ विशेष नहीं करना है, आपको जरा सी दालचीनी लेनी है और जरा सा शहद लेना है। बस आप इतनी चुटकी भर दालचीनी शहद में मिला के उसको चाट लें जुबान पे, या उसको गुनगुने पानी से आप पी लें, बहुत थोड़ी सी दालचीनी और शहद, आधा चम्मच शहद लें, 1 चम्मच शहद लें, जितना आपको आधा चम्मच मेरा ख्याल बहुत होगा, उसमें थोड़ी सी दालचीनी सिनेमन डाल लें, और उसको जो है आप चाट लें या उसको गुनगुने पानी से रोज सुबह खाली पेट पी लें। 15 दिन के अंदर आपके एस्थमा के अटैक में कमी आ जाएगी, ऐसी मेरी सोच है। ये जो हमने नुस्खा बताया, ये दवा का विकल्प नहीं है, ये नहीं कि आप आज पफ ले रहे हैं कल आप लेना छोड़ दें, लेकिन कुदरत के हिसाब से जब आप कंफर्टेबल हों तो धीरे धीरे अपनी डोज को अपने डॉक्टर की राय से कम कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं। लेकिन जिसने आपको वो पफ लिखा है, क्योंकि उसने भी आपकी बुराई के लिए नहीं लिखा है, आप बीमार थे उसके पास गए तभी तो उसने दवा लिखी है, लेकिन वो दवा आगे चल के हानिकारक होगी आपके फेफड़ों पर, या आप भी जानते हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब साथियों, हम आपको बताते हैं, आपके मन में कौतूहल हो रहा होगा कि सुना तो कई बार है नुस्खा, ऐसा नहीं मैंने याद करा है, मैंने भी कहीं से सुना है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, मुझे भी किसी ने कभी कहा होगा, लेकिन ये काम क्यों करता है, ये सोच अपनी बात के साथ रखना जरूरी है। यही इस वीडियो की खूबसूरती है कि आपको देसी घरेलू नुस्खा नई रिसर्च के साथ आपके सामने लाया हूं कि आखिर ये काम क्यों करता है, क्यों जो है दालचीनी यानी सिनेमन और शहद काम करता है, इसका रीजन है। साथियों, शहद में 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, एक होता है डिपेनहाइड्रोमीन और दूसरा होता है डेक्सोमेथाजोन। यह 2 वो कंपाउंड होते हैं जो आपके हर कफ सिरप में लगभग पाए जाते हैं,
हर एस्मेटिक दवा में इसके होने की ज़्यादातर में संभावना होती है। तो ये दो कंपाउंड जो आप बाजार से पैसा देके 150 रुपए में खरीदते हैं कफ सिरप, और वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो शहद में होने वाले यह दो कंपाउंड आपको, आपके बच्चे को कफ की एलर्जी और एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस से ठीक करने में समर्थ है, क्योंकि यही तो आप बाजार से दवा के फॉर्म में खरीद रहे हैं और यही शहद में मौजूद है। अब आप सोचिए, जहाँ तक संभावना होगी कंपनियाँ शहद में से ही ये दो कंपाउंड निकालती होंगी, एक्सट्रैक्ट करती होंगी। तो अगर आपको प्योर शहद मिल रहा है, प्योर मतलब अगर आपको शहद मिल रहा है तो उसके प्राकृतिक चीज को डिस्टॉर्ट करके उसके निकले हुए कंपाउंड को क्यों लिया जाए? जितना कुदरत के करीब रहेंगे उतना ही तो आपका बच्चा ठीक होगा। तो यह जो दो सॉल्ट पाए जाते हैं शहद में, यही सारे कफ सिरप का बेस होते हैं। तो निश्चित रूप से यह आपके बच्चे को अस्थमा में फ़ायदा करेंगे, ऐसी हमारी संभावना है। अब साथियों डिपेंड हाइड्रामीन और डेक्सोमेथारफेन करते क्या है, ये क्या करते हैं कंपाउंड दोनों साथियों? यह आपके सांस में, मुंह में सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, थूक या लार ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब यह थूक या लार ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपका जो एयर फ्लो है वो बेटर होगा, और जब आपका एयर फ्लो बेटर होगा तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो साथियों, इस तरह आप सिनामेन और हनी को ले सकते हैं। सिनामेन में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या दोनों प्रॉपर्टीज़ मिलके आपको स्वास्थ्य को बेहतर करेंगी, आपके अस्थमा के अटैक को रोकेंगी और आपके सांस लेने को आसान करेंगे। यहाँ साथियों एक बात और बताना चाहेंगे, दालचीनी या सिनामिन दो तरह की आती है, एक आती केसिया, एक आती साइलॉन। साइलॉन जो है साथियों, यह अच्छी दालचीनी होती है। अगर आप कभी बाज़ार में जाएं तो आप साइलॉन की दालचीनी खरीदें, मतलब साइलॉन जो इसकी जीनस है वो साइलॉन वाली आप दालचीनी लें। आजकल हर प्रोडक्ट तो उसके बारे में लिखा होता है, तो इसका मिलना आपके लिए कठिन नहीं। ये थोड़ी महंगी होती है, फ़ोटो लगी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको साइलॉन लेनी है, साइलॉन अच्छी दालचीनी होती है, आपको लाभ देगी, क्योंकि इसमें कोरामिन कम होता है, और कोरामिन जिसमें कम होता है वह आपके लीवर को डैमेज नहीं करता है। तो आप साइलॉन दालचीनी लें, इसमें कोरामिन कम होता है, इससे आपका लीवर डैमेज नहीं होगा। ये साथियों एक नुस्खा था बड़ा अच्छा सा आपके लिए, और मैंने कोशिश करी कि साइंस को जोड़ के इसको आपके सामने रखूं। तो अगर आपके बच्चे के अस्थमा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लाभ हो या ना हो तो आप कमेंट पोर्शन में अपने विचार इस जादुई नुस्खे के लिए ज़रूर लिखिएगा। ये जादू इसलिए कि वास्तव में आपको लाभ देगा, क्योंकि हमने अभी आपको प्रूफ कर दिया कि जो कंपनियाँ इसी से जो एलिमेंट्स को निकालती हैं, प्रॉपर्टीज़ निकालती हैं, कंपाउंड निकालती हैं, वह इसमें मौजूद हैं, तो सीधे आप उसको ले लें। साथियों अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नोटिफिकेशन पैनल में दिया इस पर व्हाट्सएप करिएगा, या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिखिएगा। मैं साथियों फिर बता दूँ, क्या नुस्खा आप कोशिश कर सकते हैं, यह एलोपैथिक दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको सुधार हो तो यह रिप्लेसमेंट बनने की संभावना है। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हर वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। हमारा क्लिनिक ये कामना करता है कि जल्द ही आपके बच्चे या बड़े किसी को भी अस्थमा या दमा हो वह बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और दवाई पे लीस्ट डिपेंडेंट हो। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।